I would like to call upon Ms. Sunita Aaron, who is a senior resident editor of HT Lucknow, a lady with spirit, determination, and zeal. Ms. Alka Das Gupta has been driving force behind the Banarsi Das Institute. I would like to call upon Mrs. Jyoti Kapoor on stage. Before we start the session, we would like to felicitate all the three on stage with us. I said all of you have seen her film and you have seen the way she handled a very, very intense subject in Chutney. Jyoti, but portrayal of women, because we are in a flow function, remains a matter of concern for all of us. Yes. Kya ye hum log khali saas bahu hain? Kya hum sare waqt sachte dhachte rehte hain and scheming karte rehte hain? Yeah, we are more than that. मुझे लगता है बगैर सजने के भी लोग स्कीमिंग कर सकते हैं और उसके लिए सिर्फ औरत बनना ज़रूरी नहीं है. मुझे पता है मीडिया में बहुत ज़्यादा एक मिस पोर्ट्रेयल रहा है कि हम लोग कहते हैं कि सिटकॉम्स और सोप ऑपराज चलते रहते हैं जिसमें लोग पूरे मेकअप और जरी साड़ी के साथ सोने भी जाते हैं. सो ऑफकोर्स वी डोंट लिव लाइक दैट, बट एक अगर अवेयरनेस भी आ गई है ऑडियंस में कि यंगर जनरेशन स्पेशली ऑलरेडी इनको पता है कि ये चीज़ें बहुत ही अनरियल हैं, ऑलरेडी इसका मजाक उड़ाया जाता है, इसकी मीम्स बनाई जाती हैं, तो ये ऑलरेडी एक स्टेप है एक सही दिशा में कि हमको पता है गलत क्या है. जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये चीज़ होती नहीं है, अनरियल है, गलत है, फिर आप उसको उससे आगे जा सकते हैं. अब the time to reinvent ourselves, the time for you know people to create the content which is more it touches people, people look at it and say haan yaar ye meri life mein ho sakta hai, ye maine dekha hai, ye jo hua hai, to zahir si baat hai ki usme fir auraton ka bhi jo ek character jo jab hum likhne lag jate hain to hum hame zyada freedom milti hai. If I take the liberty of saying ki ऑल ओवर इंडिया अभी भी बहुत सारी ज्यादतियाँ हो रही हैं औरतों पे, या यू नो जो स्लाइटली अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन एंड वीमेन आर एन अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सो व्हेन एग्जैजरेटेड राइटिंग हैपेंस जो हमारे सोप ऑपराज में होता है, जहाँ पे एक छोटे घर की लड़की बड़े ख़ानदान में शादी करके जाती है और वहाँ उसकी सास उस पर बहुत अत्याचार करती है, ननंद या कोई एक्स गर्लफ्रेंड होगी उसके हस्बैंड की या वगैरह वगैरह जो भी आप डिवाइसेस यूज़ करें, और ये हमारी जो हीरोइन है अपनी सादगी के साथ और अपने पूरे पतिव्रता के साथ अपने हस्बैंड को पकड़ के रख रही है या उसका प्यार जीतती है वगैरह, आई थिंक टू ऑल द वुमेन हु आर वॉचिंग इट, it's giving them that whole, it's literally they are like the Amitabh Bachchans of the 70s, you know. So I think, and I don't know, I'm only speculating, mujhe aise I have no idea kyun, par agar main sochne lag jaunga, ek logic apply karu, to shayad wo ek escape time hai auraton ke liye jab tak unko kuch aur you know unki life se alag nahi milta. Agar unki life khud jaise abhi आप अगर आइडेंटिफाई नहीं करती हैं, मैं अगर या अलका जी या रेणुका जी या यहाँ जो इतने सारे लड़कियाँ भी वॉलंटियर्स हैं जो कोर्सेज कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, वो कभी आइडेंटिफाई नहीं करेंगी इन कैरेक्टर्स के साथ क्योंकि उनकी लाइफ ऑलरेडी बढ़ चुकी है उस स्टेज से. पर इतनी सारी औरतें हैं जो अभी भी अटकी हुई हैं, जिन पर डोमिनेशन हो रहा है. सो स्टूडेंट्स के लिए आप बताएँ कि ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जो आने वाले वक्त में जिसकी एक मार्केट होगी. So this is something I say to all the students that I've ever spoken with. Please, you need to believe in what you write. अगर आप जो कहानी लिख रहे हैं आपको खुद उस पर विश्वास नहीं है या खुद आप कन्विंस नहीं हो या खुद आपको नहीं लगता कि ये स्टोरी वाकई में बननी चाहिए, मत लिखो. आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप दूसरे का दिमाग ख़राब कर रहे हो, मत करो. But you will find yourself in a place जहाँ पे you really believe in a story, you really feel, वो जैसी भी हो, simple story हो या complicated story हो, और आप कैसे भी लिखें, अगर वो दिल से आएगी आपके तो it's going to touch people.
And then it doesn't matter about, what genre it is or what. I mean, there's a Badhai Ho, which is a hit. And I'll just talk about film right now because I don't watch too much TV, but a Badhai Ho is a hit. And an Andhadhun is a hit. And they're both very different kinds of films. And Bahubali was a hit, and that's a very different kind of film. और इनके जो writers हैं, अगर वो सोचने लग जाएं कि या अभी जो फिल्में आने वाली हैं, अगर इनके writers सोचने लग जाएं कि अरे हमको वैसी ही फिल्म बनानी है, तो अब Queen एक फिल्म आई थी जो बहुत ही successful थी, जहाँ पे एक लड़की थी जो बहुत ही उसका character graph बहुत कमाल से उठाया गया था, उसके बाद बहुत सारी फिल्में ऐसी भी आईं जहाँ पे लड़कियाँ गाली दे रही हैं, शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, but it didn't work. So there's no formula. It has to really come आपके दिल से बस. एक तो मुझे लगता है लिखाई में आपकी confidence, एक writer की confidence होनी चाहिए कि आप उतना वक्त दें अपनी script को. और so if I may just give a couple of scripting tips is जितने लोगों को आपके जिनको आप ट्रस्ट करें कि आपको वो सही रिस्पांस दें, बाउंस योर स्क्रिप्ट ऑफ पीपल हुम यू कैन ट्रस्ट फॉर फीडबैक. कि ऐसे ही नहीं कि आपने किसी को सुना रो वाला बढ़िया बढ़िया भाई तो फाड़ डालेगा. इट कैन बी दैट इट नीड्स टू बी ये यहाँ पे क्यों है, वो वहाँ पे क्यों है, ये मेरे को ढीला लग रहा है, यहाँ पे गैप लग रहा है. फिर आपको समझ में आएगा कि आपने जो लिखा है उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, या आपको लग रहा है आपने कॉमेडी लिखी है और आप ही अपने जोक पे हंसे जा रहे हो, कोई नहीं हंस रहा. ये रियलिटी भी ये आईना आपको दिखाना ज़रूरी होता है दोस्तों को कि भाई ये तेरे को फनी लग रहा है, हमको किसी को फनी नहीं लग रहा, तो या तो तू छोड़ दे कुछ और लिख. एंड दीज आर एक्सरसाइजेज दैट वन शुड डू एज अर्ली इन द स्क्रिप्टिंग प्रोसेस एज पॉसिबल. बॉलीवुड मी टू, क्या कनेक्शन है इसका? फिल्म इंडस्ट्री में कोई क्वालिफिकेशन का दरकार नहीं है आपको एंट्री करने के लिए. आप बगैर पढ़े लिखे, बगैर कोई ट्रेनिंग लिए आकर काम शुरू कर सकते हैं. जब आप देखते हो कि हाँ मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और मुझे ये काम मिल जाएगा तो कर लेते हैं, जब ये एटीट्यूड आ जाता है, you have to recognize, and I'm telling all of you right now because you all are boys and girls sitting here, it's something called power exploitation. It is the exploitation of people who are in powerful positions. Okay, agar aap apni marzi se jo mard aapko exploit karna chahta hai ya koi aurat aapko exploit karna chahti hai, agar aap apni marzi se uski taraf attracted nahi ho, uske sath kahin jaoge nahi without any fayda, if you would not date that person, if you would not be in a relationship with that person, it's clearly exploitation. Bhale hi wo bahut bade actor ho, bahut bade director ho, bahut bade producer ho, jo bhi ho, aap filhal ek soch mein honge ki mujhe break mil raha hai, main ye kar leta hu ya kar leti hu, kyunki kitne log karte hain yaar, कोई और कर लेगा, मैं नहीं कर लूंगा तो या कर लूंगी तो. बट द मिनट वी डू दैट वी आर एडिंग टू दैट पर्सन्स पावर इन द हेड्स, एंड दैट इज व्हाट इज गॉटन ब्रोकन बाय दिस होल मी टू थिंग दैट हैपेंड. जहां पे एक औरत ने एक चीज बोली जो उसके साथ एक घटना 10 साल पहले हुई थी जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री और देश छोड़कर चली गई, फिर जब लौट के आई तो उसको जर्नलिस्टों ने ऐसे ही पूछ लिया कि आप क्यों गई थी, और उसने वही चीज बोली जो उसने 10 साल पहले बोली थी. इस बार लेकिन रिएक्शन बहुत अलग था, उस बार तो उसको भगा दिया था यहाँ से, इस बार माहौल पूरा चेंज हो गया था, लोगों ने उस पर यकीन किया और वो चीज़ बड़ी हो गई. उसके बाद किसी और को अपनी बात कहने का थोड़ा सा और उसको हिम्मत मिली, किसी और ने एक अपनी बात कही, तीसरे ने अपनी बात कही, और बातें बढ़ते बढ़ते लोग अपनी अपनी कहानियाँ बोलने लग गए. ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त जब आपके साथ कोई घटना हो आप वहीं पे रिएक्ट करें. हाँ कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, वहीं थप्पड़ मार देंगे, बहुत अच्छी बात है. कुछ लोग शॉक में चले जाएंगे, उस वक्त कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनके सामने बहुत पावरफुल बंदा है या बंदी है. और कुछ लोग कुछ समय बाद हिम्मत जुटा के, शायद कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद हिम्मत जुटा के बोल पाएंगे जब उनको लगेगा कि माहौल ऐसा है कि आई विल बी बिलीव्ड. सो जस्ट रिमेंबर, डोंट लेट एनीबडी, ऑफकोर्स यू नो इफ यू Now you are in a very lucky place because आप जब इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री में अभी आना चाहता है
और आपके साथ एक तो अभी बहुत कम लोग हिम्मत करेंगे कुछ करने का क्योंकि सब डरे हुए हैं. एक लड़की ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मेरे फेसबुक के इनबॉक्स पे हेलो डियर, गुड मॉर्निंग डियर, सेंड मी योर पिक्चर्स डियर बहुत कम हो गए क्योंकि जो रैंडम अंकल लोग या लड़के लोग भेजते थे मैसेजेस वो सब कम हो गए. आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द गर्ल्स हियर हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड यू नो लिटिल लेस ऑफ ऑल दिस अनवांटेड अटेंशन. बट यू आर इन अ वेरी गुड टाइम राइट नाउ टू एंटर द इंडस्ट्री वेयर बहुत लोग डरे हुए हैं कुछ करने के लिए. शी इज नॉडिंग अवे. यस 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 यू स्टॉप गेटिंग दोज राइट. सो एंड अगर कोई करे भी आप तुरंत अगर उस बात को किसी को बताएं, कोई मेंटोर होगा, कोई सीनियर होगा, तो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम रेडी है जहाँ पे लोग आप पर यकीन करेंगे. कोई आपको झुठलाएगा नहीं, कोई कहेगा नहीं कि आप अटेंशन के लिए ये बोल रहे हो. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिन औरतों ने जिन मर्दों को एक्सपोज किया उनके नाम सबको पता है, उनको तो ज़्यादा अटेंशन मिला है, औरतों को इतना अटेंशन नहीं मिला है. सो इट्स नॉट अबाउट अटेंशन सीकिंग, इट्स जस्ट अबाउट फाइटिंग अगेंस्ट अ सिस्टम विच हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 100 years ऑफ सिनेमा एंड we're in a new century now. So yeah, in our college, in our mass comm department, we produce and make movies. So how can we get large number of audience, or how can we spread our movie to large number of audience? I think YouTube is fabulous. YouTube is a free platform. Jo bade parde pe chalta hai na beta, wohi chalega is pe bhi. Agar Thugs of Hindustan cannot do well and they have the biggest stars, so you know, even if they come for free on a YouTube, people are still not going to see it. If nothing else, you'll learn a lesson, you'll learn how to make things, you'll learn making new mistakes. Try and, oh, that's one thing I have to tell you guys, okay, please learn from your mistakes, keep making new ones, don't repeat the old ones. How many of you want to make short films to get views? Jo main kehna cha raha hu, jo main kahani kehna cha raha hu, wo log dekhen. व्यूज उसके लिए, वो व्यूज मेरे लिए वो है. अरे बेटा, जब वो देखेंगे तब व्यूज बढ़ेंगे, जब लोगों को पसंद आएगा तब वो किसी को रेकमेंड करेंगे. सो चटनीज 122 व्हाटएवर मिलियन व्यूज आर ऑर्गेनिक कंप्लीटली. थिंक ऑफ मेकिंग योर फिल्म एज अ शो रील टू शोकेस योर ओन टैलेंट. सो जस्ट नाउ व्हाट एडवाइस यू हैव बीन गिवन दैट यू पिक एक्टर्स हु विल बी एबल टू डू द जॉब प्रॉपरली. सो देयर आर थिएटर एक्टर्स, there are lots of youngsters who might be very good at comedy, very good at singing, very good at dancing, very good at telling stories, performing, making people cry, laugh, whatever. So many people, yaar, har group mein koi ek joker hota hai aur koi ek dramabaz hota hai, har group mein. Please don't tell me itne change ho gaya yaar life. To aap un bandon ko, un bandiyon ko chuno, apni story bolo, aur jab aapko kisi ko dikhana hai apne phone pe rakho na film apni और दिखा दो, बिठा दो लोगों को 15 मिनट. दैट्स व्हाट आई डिड विद चटनी बिफोर इट केम आउट ऑन यूट्यूब. आई हैपन टू बी एट गोवा ड्यूरिंग द फिल्म बाजार एंड आई मेड एवरीवन हुम आई मेट सिट डाउन एंड वॉच इट फॉर 15 मिनट्स ऑन माय टैबलेट. हाउ शुड वी विजुअलाइज एन आइडिया इनटू अ स्टोरी और अ फिक्शन एंड हाउ अ रियल लाइफ इंसिडेंट इज कन्वर्टेड इनटू अ रियल लाइफ इन अ शॉर्ट फिल्म. सो आई टेल यू वेरी क्विकली. There are various books that come, there are various websites that you can just, so you know, y'all are so goddamn lucky, y'all are living in the age of the internet. Y'all don't even have to buy physical books anymore. Everything is available online, how to write a script, how to, you know, do a storyboard, you have free software, filmmaking software. Initiative, kids, how lazy are you guys, really? Like really, just make sure before you start that you really love that idea. You really have to love that idea. If people tell you it's a really bad idea, you have to be able to stand up for it and defend it. If you let it go, that means you never believed in it, okay? When you find yourself fighting for your idea, then hold on to it, don't let it go, and prove to the whole damn world that you were right, okay? जब हमारे पास आइडियाज हैं तो फिर हम कॉपी क्यों कर रहे हैं? छोटे बजट की मूवीज में ज्यादा अच्छी कहानी होती है बजाय बड़े बजट की मूवीज में. अगर हम आजकल की बात करें तो क्या जो हम स्टारडम को और स्टार्स को ग्लोरीफाई करने के लिए कहानी को मार रहे हैं कहीं पे? ये दो क्वेश्चन. यहाँ पे किन 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 लोगों ने बधाई हो देखी है? अच्छा,
उसमें आप बैठ जाओ ना अनुभव, उसमें ना आपने नोटिस किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, मैं जस्ट बहुत ऑब्वियस ही बात बोलूंगी, उसमें दो लव स्टोरीज है, हाँ, एक है आयुष्मान खुराना और सानिया मल्होत्रा की जो यंग लव स्टोरी है, और एक है आयुष्मान के मम्मी पापा की, ठीक है। मुझे एक बताइए, कोई भी आप अनुभव बताइए कि इसमें ज्यादा कहानी कौन सी लव स्टोरी में आपको लगी? मम्मी पापा की है ना, एवरीबडी अग्रीज विद दिस कि बधाइयों में मम्मी पापा की, तो वहां कहां से भाई स्टार आयुष्मान खुराना खुद उसमें एक जूनियर आर्टिस्ट के रोल कर रहे थे, बिकॉज अ फिल्म इज ऑलवेज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड इट टेक्स अ हेक ऑफ अ लॉट ऑफ मनी टू मेक दैट फिल्म, एंड इफ यू पुट सम एंड नोबडी पुट्स देयर ओन मनी टू मेक अ फिल्म, यू ऑलवेज ट्राई एंड यू नो आप किसी को बेचोगे पिक्चर, अपना आइडिया बेचोगे, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स बिकॉज इट इज दैट यू हैव टू कन्विंस समबडी कि भाई ये मेरी आइडिया है, बड़ी तोप आइडिया है, आप प्लीज इसको फंड करो, आप प्लीज या आप नाडियाडवाला के पास जाओगे या किसी स्टूडियो के पास जाओगे, बोलोगे ये मैं हूं, मैं नया नया हूं, मैं लखनऊ से आया हूं, मेरे पास एक बहुत तगड़ी स्क्रिप्ट है और वाकई बड़ी तगड़ी स्क्रिप्ट है, और वहां जो लोग बैठे बोलते हैं भाई यार तू कहां से लाया यार, ये तू हमको दे दे हम किसी और से बना लेंगे, तुम बोलोगे नहीं ये मुझे डायरेक्ट करनी है और मेरे पास कन्विक्शन है, आप मुझे एक्टर के सामने बैठा दो, ये पिक्चर बनेगी, ठीक है। मैं स्टूडियो में रही हूँ, आई वॉज क्रिएटिव हेड एट वाई कॉमेडियन फॉर 3 odd years, और हमारे पास आते थे आप जैसे नए स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर्स, और हमको कहते थे कि 1.5 crore, 1.25 crore में हम पिक्चर बना लेंगे, आप हमको इतने पैसे दे दो, और मैं कहती थी आप 6 crore ले लो, किसी ढंग के एक्टर को ले लो, क्योंकि एक पोस्टर छपेगा बाहर, आप खुद नहीं जाते भाई, अगर आपको समझ में नहीं आता एक्टर कौन है तो आप एक्टर और स्टार की बात ही कैसे कर सकते हो। वी आर नॉट इन अ कल्चर विच एनकरेजेस गुड एक्टिंग, वी आर इन अ कल्चर विच एनकरेजेस स्टार्स, दे हैपन टू बी और नॉट टू बी गुड एक्टर्स। कॉन्टेंट इज किंग, कॉन्टेंट इज किंग। यू ऑल्सो डू एड फिल्म्स, यू हैव डन एड फिल्म्स अर्लियर, हाउ इम्पॉर्टेंट अ सेमी न्यूड वुमेन इज टू सेल अ प्रोडक्ट, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट is an item number by absolutely nude girls to sell a film which also has content? You said content is most important. It depends. So there was a film called Dil Se which had an item number called Chaiya Chaiya, which had nothing to do with the film. In for all intents and purposes, it's a beautiful song by Gulzar Saab. It's beautifully choreographed by Farah Khan. It's on the train. It's shot beautifully. It's an iconic song. There was no vulgarity also. Whatever. So, the thing is, it was unnecessary. Okay. As opposed to Mehbooba Mehbooba from Sholay, which I remember we were not allowed to watch Sholay because of the violence and because of this song. The parameters of what is vulgar, what is not, keep changing. You have to, I think, judge it by how relevant it is in the film. And of course, filmmakers are getting very clever at making it relevant to the film so they don't get blasted exactly like this. So, beech mein ek hero kahin se chupke kuch kahin bomb laga raha hai, ya kahin pe kuch ho raha hai, ya, you know, even in Stree, there was an item song. It was a fun song, but it was an item song. There was no need for an item song, but it was there. It's a fun, funky song. And in the middle of it, they made, they made Rajkumar do something which is driving the story forward. Okay, so now it completely depends on the discretion of the makers, whether they feel then what costume they're giving the girl, etc., etc. When a film like Thugs doesn't do well, then everybody is criticizing, oh, Katrina Kaif in these two item girl songs. So, but agar picture hit ho jati, koi kuch bolta hi nahi na. So, ye cheeze is all seen in the perspective of what is successful, what has worked, what has not. How relevant is a semi-nude girl to sell a car? I don't know. I think that just appeals to the men on a subconscious level. They say, main gaadi khareedunga to aisi ladki milegi. So, I'm just thinking and then they realize, oops, ye to locha ho gaya. So, we'll end up this session with one thing, that it is only entertainment, entertainment and entertainment. Nothing else. Bye. Hello. Thank you so much.